राधा स्वामी सत्संग व्यास उनके यहाँ गुरु पर ही पूरा जोर है और गुरु उनके गृहस्थी वाले हुआ करते थे। मूल जो गुरु थे वो तो गृहस्थी वाले नहीं थे, लेकिन आगे चल करके गुरु गृहस्थी वाले होने लगे। वो लोग भी जब गुरु बनते हैं तो वो फिर साधु ढंग से ही जीते हैं। पहले वो रहे थे, जी रहे थे, लेकिन जब से उन्हें गुरु बनाया गया तो उस दिन से वो भी संभल करके ही जीते हैं। तो जो पढ़ने पढ़ाने वाले गुरु हैं वो गृहस्थ हों कोई बात नहीं, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बनने का दावा करते हैं वो लोग गृहस्थ ना हों। क्या कबीर साहब इस संसार से सदेह देह सहित सतलोक चले गए थे, यानी उनका मरा हुआ शरीर यहां नहीं पाया गया? किसी ने प्रश्न पूछा है। साहब का जवाब है, कबीर साहब का शरीर पूरा हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ, तो वो अपने स्वरूप में शांत हो गए, अन्य कहीं सतलोक नहीं गए। अपना चेतन स्वरूप ही सतलोक है। कबीर साहब का शरीर अंततः फूल हो गया, यह कहना भक्तों की अतिशयोक्ति है। मृत शरीर जल जाने पर जो हड्डियां थोड़ी रह जाती हैं उसे ही फूल कहते हैं। कुछ शरीर के जो अंश होते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि पुरुष की छाती और स्त्री का पेट देर से जलता है। जब शरीर जलाया जाता है तो पुरुष की छाती देर से जलती है, वह ज़्यादा मजबूत होती है, और स्त्री का जो गर्भाशय होता है वह सबसे बाद में जलता है। इसके अलावा शरीर में कुछ बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे फ्यूमर है, फ्यूमर जांग की हड्डी होती है, ये ज़्यादा बड़ी हड्डी होती है, ज़्यादा कठोर होती है, क्योंकि पूरे शरीर का बोझा ये उठाती है। तो वो हड्डियां जो बड़ी हैं और थोड़ी मजबूत हैं, वो हड्डियां जब जलना शुरू करती हैं तब तक छोटी हड्डियां जल के राख हो जाती हैं। तो बड़ी हड्डियां छोटे में बच जाती हैं, थोड़े में बच जाती हैं, उन्हें ही इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हें ही गंगा जी में सरा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, उन्हें ही फूल कहा जाता है। यद्यपि वो फूल जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो थोड़ी हल्की हो जाती हैं, कुछ राख और कुछ हड्डियाँ, उन्हें ही फूल कहा जाता है। बाकी अगर कोई सचमुच उसमें फूल ढूंढना शुरू करे तो कोई फूल नहीं मिलेगा। तो चाहे कबीर साहब हो या कोई भी साहब हो, मर करके किसी का भी शरीर किसी अन्य लोक में नहीं जाता है। फूल बन जाने का अर्थ होता है छोटी मोटी हड्डियां बच जाना जलाने के बाद। बस बच्चों की हड्डियां तो और बहुत मुलायम होती, इसलिए हिंदू बच्चों को जलाते नहीं हैं। हिंदुओं में अगर किसी छोटे नवजात शिशु का शरीर छूटता है तो बच्चे को वो जलाते नहीं हैं, क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत कोमल होती हैं। उसको जमीन में डाल देते हैं और 5-6 महीने में ही उगल जाती हैं हड्डियां, इसलिए जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनकी हड्डियाँ कठोर हैं, जो पूरी उम्र जी लिए हैं, उनकी हड्डियां कई वर्षों तक जमीन में रह जाती हैं। तो सबके साथ है, किसी का भी शरीर हो। अगला प्रश्न, श्री राम